असलम स्टूडेंट्स एंड माई व्यूवर्स। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ की खिदमत नाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स एंड माई व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं, जो कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जूम। जूम का अकाउंट किस तरह बनाते हैं और जूम की क्या सेटिंग्स होती हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे और जूम का अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने ब्राउज़र में आके आप जूम की वेबसाइट पे आके अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। साइन अप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दें आप। मंथ, डे, ईयर अपनी मर्ज़ी का दे दें। मैं ज़्यादातर जो ईयर देता हूँ वो ऐसा देता हूँ जो 18 से प्लस का हो, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि 18 प्लस की, तो मैं इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ईमेल दें अपने, ईमेल अगर आप लोगों ने नहीं देनी कस्टमाइज तो आप गूगल से इसको साइन इन कर सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ ईमेल साइन अप। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको ईमेल पहुँच गई है आपकी जीमेल अकाउंट पे, उस पर आप चेक कर लें। तो मैं भी चला जाता हूँ अपनी जीमेल अकाउंट पे, और ये मेरे पास जीमेल लोड हो चुका है। जूम की मेरे पास आई वी है, एक्टिव अकाउंट मैंने क्लिक किया। अब मैं देखता हूँ कि नाम पूछ रहे हैं, मैं नाम दे देता हूँ फ्यूचर वेब। पासवर्ड अपनी मर्जी का कोई भी दे दें आप, बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए। ओके, कंफर्म कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पासवर्ड ठीक दिया है कि नहीं, सिंपल। फिर है एजुकेटर्स। एजुकेटर्स का क्या मतलब है कि अगर आप किसी स्कूल की बिहाफ पे बना रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, फिर मैं करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। क्लिक किया कंटिन्यू पे, अब ये मुझसे कह रहा है कि आपने किसी को इनवाइट करना तो आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं नहीं करूँ, मैं स्किप करूँगा इस स्टेप को। फिर ये कह रहे हैं कि आप अपनी मीटिंग शुरू कर सकते हैं और अपने अकाउंट पे जा सकते हैं। मैं फ़िलहाल अपने अकाउंट पे चला जाता हूँ। अब मेरे अकाउंट के बारे में हर चीज़ मुझे शो हो जाएगी, पिक्चर, फ़ोन, लैंग्वेज, हर चीज़। तो हम सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो पिक्चर को कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास आ गई पिक्चर। ओके, ये मैंने पिक्चर दे दी। आगे प्रोनाउंस, अगर आपने प्रोनाउंस डालने हैं आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगा। फिर है डिपार्टमेंट, मैनेजर, जॉब टाइटल, कंपनी, लोकेशन, ये हर चीज़ आप डाल सकते हैं, लेकिन इनमें से एक चीज़ की मुझे भी ज़रूरत नहीं है तो मैं सेव करूँगा, सिंपल। आगे है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर देना तो दे सकते हैं, ऐड फ़ोन नंबर पर क्लिक करें, फ़ोन नंबर दें और हो जाएगा। फिर है लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश है। टाइम जोन देना चाहते हैं, जिस तरह मेरा टाइम जोन है GMT कराची का, ठीक है, तो मैं दे दूंगा कराची का टाइम जोन, इस्लामाबाद कराची। ओके, उसके बाद सेव करता हूँ इसको। उसके बाद आ जाता है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट वगैरह ठीक है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं कि क्या 24 आवर्स वाला टाइम फॉर्मेट आपने यूज़ करना है कि 12 आवर वाला, तो मैं 12 आवर वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी मीटिंग की आईडी जो पर्सनल है वो मुझे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद होस्ट की जो मेरी अपनी की है वो भी मुझे शो हो जाएगी अगर मैं आई वाले बटन पर क्लिक करूँ। फिर लाइसेंस, लाइसेंस क्या चीज़ है कि अगर आपने जूम के प्रीमियम वर्जन में, ठीक है, अपग्रेड करना है अपने आप को। फिर है साइन इन, साइन इन में आपका अकाउंट शो हो जाएगा आपको, उसका पासवर्ड, और अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई लिंक किए हुए अपने अकाउंट तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, बाकी है कि अगर आपने सारे डिवाइसेस से साइन आउट करना है तो भी आप कर सकते हैं। मीटिंग्स का एक ऑप्शन हमारे पास आता है, ठीक है, अगर आपने मीटिंग्स ली थी तो आपको सारी इधर शो हो जाएंगी। वेबिनार्स आपने किए तो शो हो जाएंगे, आपने रिकॉर्डिंग सेव किए तो इधर आपको शो हो जाएंगी। फिर आता है सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपको थोड़े से और ऑप्शन मिल जाते हैं मीटिंग के बारे में। ओके, उसके बाद हमारे पास एडमिन के सारी मैनेजमेंट और हर चीज़ आती है। ये सब चीज़ हम लोग अगली वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हर चीज़ को एक एक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग के बारे में अलग से कस्टमाइजेशन, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में अलग से, ठीक है। उसके बाद जो एडमिन हूँ मैं हूँ, ठीक है, एडमिन अपने अकाउंट का मैं हूँ, तो मैं उसमें कैसे चेंजेस कर सकता हूँ, एडमिन के बतौर मैं कैसे चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में तो हम लोगों ने यही देखा कि जूम का अकाउंट किस तरह बनाते हैं और अपने प्रोफाइल को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जूम के अंदर हम लोग किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और
इन सब चेंजेस को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैकग्राउंड अपना चेंज करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं? आप लोगों ने दफ़ा देखा होगा कि बैकग्राउंड चेंज होता है जूम मीटिंग वालों का, किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ को किस तरह से सही से ला सकते हैं, तो हर चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहीं तक हम लोग काम कर रहे हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि जिसने भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ले सके, क्योंकि इन दौर में इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।